गुड इवनिंग एवरीवन। बॉय एम आई ऑडिबल? पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे रेक्टेंगल, रोम्बस और स्क्वायर, और मैंने दिया था आप लोगों को प्रैक्टिस सेट 8.2। आपने कर लिया है इसको? कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे। प्रैक्टिस सेट 8.2 में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। प्रमोद ईश्वरन ने डाला है कि नो नो डाउट। और सारे लोग, और सारे लोगों को डाउट है? ओके, तो मैं आज हम लोग प्रीवियस टॉपिक जो कवर किए थे वो आपका था रेक्टेंगल, स्क्वायर और रोम्बस था। तो ये सारा टॉपिक आप लोगों को क्लियर है। आज मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से, नेक्स्ट टॉपिक अपना है पैरालेलोग्राम। आपने पैरालेलोग्राम का नाम सुना है? पैरालेलोग्राम क्या होता है कि एक क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स पैरालेल इज कॉल्ड अ पैरालेलोग्राम। मतलब कि पैरालेलोग्राम भी एक क्या है? क्वाड्रिलेटरल है, और इसके अपोजिट साइड्स जो है वो पैरालेल होते हैं। तो देखिए, ये आपका एक फिगर है पैरालेलोग्राम का, जिसमें अपोजिट साइड जो है वो आपके पैरालेल होंगे। ओके, लेकिन अब हाउ कैन वी ड्रॉ अ पैरालेलोग्राम, मतलब हम लोग एक पैरालेलोग्राम को ड्रॉ कैसे करेंगे? मतलब हम लोग को कोई भी पैरालेलोग्राम खींचना होगा तो कैसे खींचेंगे? तो क्या करेंगे, सबसे पहले ड्रॉ सेगमेंट ए बी। एक सेगमेंट ए बी हम लोग ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे बी और सी है। ओके, और ए बी है, तो ड्रॉ सेगमेंट ए बी एंड बी सी, मेकिंग एन एंगल ऑफ एनी मेजर एज शोन इन द एडजेसेंट फिगर। बगल की आकृति में आप लोग देख सकते हैं, ए बी और बी सी सेगमेंट हम लोग ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे आपका कोई भी एंगल आपका यहाँ पे बनना चाहिए। ओके, यू नो हाउ टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू अ गिवन लाइन थ्रू अ पॉइंट विच इज आउटसाइड इट। ओके, यूजिंग द मेथड ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट सी एंड पैरेलल टू द सेगमेंट ए बी। सी, देखिए यहाँ पे जो है एक बी सी आप सबसे पहले ड्रॉ करेंगे, उसके बाद पॉइंट सी से बी सी ड्रॉ कर लिए, और ए बी आप लोग ड्रॉ कर लिए। जैसे ये हो गया आपका, ये आपने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया, फिर आपने एक ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि पॉइंट सी से आपको, पॉइंट सी से एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है ए बी के पैरेलल। ए बी के पैरेलल सेगमेंट क्या है? डी सी, यानी कि हमको इसके पैरेलल एक सेगमेंट यहाँ पे ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करेंगे हम आगे जानेंगे। फिर उसके बाद सिमिलरली ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू सेगमेंट बी सी एंड पासिंग थ्रू पॉइंट ए, और उसके बाद बी सी सेगमेंट पे, ये जो है आपका बी सी सेगमेंट, इसके पैरेलल एक लाइन हम लोग ड्रॉ करेंगे ए डी। ओके, तो जहां पे सी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन कट करेगा उसको हम एक नेम दे देंगे उसको डी। ओके, तो ये जो होगा हमारा वो पैरेललोग्राम होगा। वी नो डेट इंटीरियर एंगल्स मेड बाई ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस आर सप्लीमेंट्री। हम लोग क्या जानते हैं कि इंटीरियर एंगल्स जो बनते हैं ट्रांसवर्सल से,
वो पैरेलल लाइंस पे वो सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? सप्लीमेंट्री अगर मैं बोलूं तो आप लोग कितना डिग्री एंगल आप लोगों के माइंड में आएगा? क्या आप में से कोई बता सकता है कि सप्लीमेंट्री एंगल का अगर बात हो, सप्लीमेंट्री का बात हो, तो आपके माइंड में कितना डिग्री का एंगल आएगा? 90 या 180? आप लोग चैट बॉक्स में डालेंगे। 180, 180, 180। अच्छा, तो 180, गुड। सो इन द एबव फिगर, सप्लीमेंट्री का मतलब ही होता है 180 डिग्री, ओके। इन द एबव फिगर एंगल एम, ओके, और एंगल बी क्या है? एंगल एम ये है आपका, ए ये है, और एंगल बी आपका ये है। इन दोनों का सम अगर हम करेंगे तो वो क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा, यानी कि 180 डिग्री। एंगल बी एंड एंगल सी, इन दोनों को सम करेंगे तो ये भी क्या होगा? 180 डिग्री। ये आपका बी रहा और ये आपका सी, तो इन दोनों का सम जो है आपका 180 डिग्री होगा। उसके बाद एंगल सी एंड एंगल डी, इन दोनों को सम हम करेंगे तो ये भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। उसके बाद एंगल डी एंड एंगल ए, यानी कि ये आपका डी रहा और ये आपका ए रहा, इन दोनों को सम करेंगे तो ये 180 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब ये कि जब इंटीरियर एंगल्स ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस, जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और जब हम लोग कोई उसको ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है, तो जो इंटीरियर एंगल बनते हैं उसका सम जो हो, जो सम होता है वो आपका सप्लीमेंट्री होता है। सो वी गेट अ प्रॉपर्टी ऑफ एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम दैट एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर सप्लीमेंट्री। मतलब कि एडजेसेंट एंगल जो है पैरेललोग्राम का वो आपका सप्लीमेंट्री होगा। इसको आप लोग याद रखेंगे कि इसी पे बहुत सारा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा, ओके। उसके बाद क्या कह रहा है कि टेक टू रूलर्स ऑफ डिफरेंट विड्थ, प्लेस अ वन रूलर हॉरिजॉन्टली एंड अदर रूलर्स अदर लाइन सॉरी टेक टू रूलर्स ऑफ डिफरेंट विड्थ, प्लेस वन रूलर हॉरिजॉन्टली। जैसा कि देखिए ये एक आपका रूलर है, ओके, ये, और इसको मैंने हॉरिजॉन्टली रखा। उसके बाद ड्रॉ लाइंस अलोंग इट्स एज, और यहाँ से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ओके। उसके बाद जो है, नाउ प्लेस द अदर रूलर्स इन द सेलेंट, मतलब कि अब इस रूलर को हम लोग दोनों में लाइन ड्रॉ करके, एक इसकी एज से लाइन ड्रॉ करके हम लोग क्या करेंगे, इसको हटा लेंगे और उसका दूसरा रूलर इस पे रखेंगे और इसको थोड़ा सा सेलेंट रखेंगे, मतलब थोड़ा सा तिरछा, ठीक है। टेक टू रूलर सॉरी वी गेट अ पैरेलल। उसके बाद इसको रखने के बाद हम लोग क्या, इससे भी एक ये दोनों पॉइंट को हम लोग मिला देंगे तो उससे आपका एक क्या होगा, पैरेललोग्राम जो है एक बन जाएगा आपका, ठीक है। जब पैरेललोग्राम बन जाएगा तो हमको क्या क्या करना है, मेजर द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स को आपको मेजर करना है। उसके बाद मेजर द लेंथ ऑफ अपोजिट एंगल्स, उसके बाद मेजर द लेंथ ऑफ डायगोनल, मेजर द लेंथ ऑफ पार्ट ऑफ द डायगोनल मेड बाय पॉइंट टी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे होता है। जैसे कि आपका ये एक पैरेललोग्राम है, ओके, तो मैं पैरेललोग्राम आपको बताता हूँ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं और दूसरा मेथड से। जैसा कि एक आप लोग लाइन लेंगे, जैसे मैंने एक लाइन लिया यहाँ पे, इसका मैंने नेमिंग कर दिया बी और इसको मैंने लिखा सी, ओके। अब ये आपका एक बीसी लाइन हुआ। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक इसके एडजेसेंट हम लोग एक सिगमेंट सिगमेंट लेंगे किसी भी एंगल पे, ओके। तो मैंने एक क्या किया, यहाँ से एक लाइन सिगमेंट लिया मैंने,
बीसी पे पॉइंट बी पे एक मैंने एंगल लिया, पॉइंट बी पे कोई भी एंगल पे एक मैंने लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, ओके, और इस पॉइंट को मैंने पॉइंट ए नाम दे दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे आपका एक बीसी सेगमेंट है, आपका एक एबी सेगमेंट है, और मैं क्या करूंगा, अब बीसी सेगमेंट से हम लोग क्या करेंगे, एबी के पैरेलल एक हम लोग लाइन ड्रॉ करेंगे, एबी के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे एबी के पैरेलल कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे, और हम लोग जितना एंगल यहाँ पे है, ये वाला जो आपका एंगल है, ये एंगल बी, उतना ही एंगल यहाँ पे एक हम लोग बनाएंगे, ओके। उसके बाद जो है हम लोग ए बी जो लेंथ है, उतना ही लेंथ को एक सी डी लेंथ से यहाँ पे कट करेंगे, ओके। ये जो लेंथ होगा कहीं पे ए बी के बराबर होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए को और जहाँ पे ये कट हुआ है उसको हम लोग मिला देंगे, तो ये जो होगा आपका एक पैरेललोग्राम बन जाएगा, और इसको हम पॉइंट डी नाम दे देंगे, ओके। तो ये आपका एक पैरेललोग्राम तैयार हो गया। अब क्या कह रहा है यहाँ पे, मेजर द अपोजिट एंगल्स ऑफ द पैरेललोग्राम। अब इसका अपोजिट एंगल मेजरमेंट करना है, अपोजिट एंगल बी का अपोजिट एंगल क्या है आपका डी। इन दोनों को जब आप मेजरमेंट करेंगे तो ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। आप लोग मेजरमेंट करिएगा इसको बना करके, फिर एंगल ए और एंगल सी क्या है, अपोजिट है, तो एंगल ए जो होगा वो एंगल सी के बराबर होगा, ओके। एंगल ए जो होगा आपका वो एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल बी जो होगा आपका वो आपका एंगल सी के बराबर होगा, ओके। तो यहां से हम लोगों ने जब एंगल का जो हम जब हम लोगों ने अपोजिट एंगल्स का मेजरमेंट किया तो इक्वल आया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि अपोजिट एंगल्स आर कंग्रुएंट। तो यहाँ से अपोजिट एंगल जब इक्वल है तो हम लोग अपोजिट एंगल्स को कंग्रुएंट कह सकते हैं। उसके बाद सेकेंड में क्या है आपका, मेजर द लेंथ ऑफ अपोजिट साइड। अपोजिट साइड का आप लेंथ मेजर करेंगे, जैसे ए डी है और बी सी है, इसमें अगर इसमें मैं देखूं तो आपका एक AD लेंथ है और एक BC लेंथ है, ओके। तो ये दोनों को आप मेजरमेंट करेंगे तो ये दोनों आपके इक्वल होंगे, AD और BC इक्वल होंगे। उसके बाद जब हम लोग DC और AB को मेजरमेंट करेंगे तो ये दोनों जो है आपका इक्वल होगा। तो इसे हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे कि अपोजिट साइड्स आर कंग्रुएंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि अपोजिट साइड्स आर कंग्रुएंट। फिर थर्ड है आपका, मेजर द लेंथ ऑफ डायगोनल। अच्छा, आप लोग डायगोनल इसमें मेजरमेंट करेंगे तो क्या होगा, इक्वल होगा या नॉट इक्वल होगा, दोनों। लेंथ ऑफ डायगोनल यानी कि आपका एसी, डायगोनल क्या है आपका ए सी, और बी डी, बी डी। तो ये आप बताएंगे कि ए सी और बी डी क्या बराबर होगा, नॉट इक्वल, ओके। तो ये ए सी और बी डी जो है वो आपका बराबर नहीं होगा, लेकिन कुछ किस कंडीशन में बराबर होगा ये हम आगे डिस्कस करेंगे, ओके। तो यहाँ पे जो है आप उसके बाद आप मेजरमेंट करेंगे डी टी को, यानी कि ये लेंथ डी टी, डी टी एंड ई बी को, तो ये क्या बराबर होगा,
डीटी और टीवी, यस और नो? यस, तो यहाँ पे आपका डीटी और टीवी जो है एक दूसरे से बराबर, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। तो आपका डीटी और टीवी बराबर होगा। अगर हम बात करें एटी और टीसी का, तो ये क्या होगा, ये भी दोनों बराबर होगा आपस में। एटी जो है, एटी जो है वो आपका टीसी के बराबर होगा। ओके, तो यहां से हम लोगों ने क्या देखा कि जो डायगोनल्स है, जो डायगोनल्स है, लेंथ ऑफ डायगोनल्स, वो क्या कर रहे हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब ये कि दोनों क्या कर रहे हैं, आपस में बराबर कट कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब मैंने उस दिन बताया था ना कि दोनों बराबर कट कर रहे हैं, जैसे ये डी टी बराबर है आपका टीवी के, ए टी बराबर है टीसी के। ओके, तो ये रहा आपका पैरेललोग्राम। ओके, तो हम लोगों ने क्या सीखा पैरेललोग्राम में, पैरेललोग्राम में हमने ये सीखा कि अपोजिट साइड्स आर कंग्रुएंट, यानी कि ये एडी और बीसी बराबर होगा, एबी और डीसी बराबर होगा। और दूसरा चीज हम लोगों ने क्या सीखा, अपोजिट एंगल्स आर कंग्रुएंट, मतलब कि एंगल ए जो होगा वो आपका एंगल सी के बराबर होगा, और एंगल डी जो होगा आपका एंगल बी के बराबर होगा, यानी कि अपोजिट एंगल्स आर कंग्रुएंट। उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा कि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि दोनों का लेंथ जो है, इसका लेंथ AT का और TC का लेंथ इक्वल होगा, और DT का और TV का लेंथ इक्वल होगा। ओके, उसके बाद आता है आपका ट्रेपीजियम। तो ट्रेपीजियम क्या होता है, इफ ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज पैरेलल देन इट इज कॉल्ड अ ट्रेपीजियम। ठीक है, तो पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा था कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि दोनों साइड इक्वल होंगे, लेकिन यहाँ पे आपका बोल रहा है वन पेयर। ओके, तो वन पेयर जब रहेगा, यानी कि एक पेयर आपका अपोजिट साइड जो हो वो पैरेलल हो, वो पैरेलल होगा, तो आपका ये ट्रेपीजियम कहलाएगा। तो ट्रेपीजियम, ये आपका फिगर है ट्रेपीजियम का, यहाँ पे डब्ल्यू जेड और एक्स वाई ये दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे को। तो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड, सिगमेंट डब्ल्यू जेड एंड सिगमेंट एक्स वाई आर इज पैरेलल, सो बाय डेफिनेशन क्वाड्रिलेटरल डब्ल्यू एक्स वाई जेड इज अ ट्रेपीजियम। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों लाइंस पैरेलल है। ओके, डब्ल्यू जेड एंड एक्स वाई, और डब्ल्यू एक्स क्या हुआ तब, डब्ल्यू एक्स कौन सा लाइन हम लोग, जब दो लाइन हमारा पैरेलल हो, अगर इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड थर्ड लाइन इंटरसेक्ट इट, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे ये आपका एल लाइन है, ये आपका एम लाइन है। ओके, और ये आपका एन लाइन है, तो इसमें ट्रांसवर्सल लाइन कौन सा होगा, ट्रांसवर्सल लाइन इसमें कौन सा होगा, दिख रहा है प्रेजेंटेशन, दिख रहा है ये, ओके, तो एन जो है आपका ट्रांसवर्सल है। उसी तरीके से जब डब्ल्यू जेड और एक्स वाई, यानी कि डब्ल्यू जेड सेगमेंट और एक्स वाई सेगमेंट पैरेलल है, तो आपका डब्ल्यू एक्स क्या होगा, ये ट्रांसवर्सल होगा, और जेड वाई क्या होगा आपका, ट्रांसवर्सल होगा। तो आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो वहां पे आपने क्या पढ़ा होगा कि जब ट्रांसवर्सल लाइन होता है, जब ट्रांसवर्सल लाइन बनाता है, तो क्या होता है, उसका एंगल जो होता है, इंटीरियर एंगल्स, वो
सप्लीमेंट्री बनाता है, जैसा कि देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, विद द प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड देयर ट्रांसवर्सल वी गेट एंगल डब्ल्यू एंड एंगल एक्स। आपका एंगल डब्ल्यू ये है और एंगल एक्स ये है, तो ये दोनों का सम क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। एंड एंगल वाई एंड एंगल जेड, एंगल वाई एंड एंगल जेड जो होगा आपका, ये भी आपका सप्लीमेंट्री होगा। इन ए ट्रेपेजियम आउट ऑफ फोर पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स टू आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पे जो है टू सप्लीमेंट्री एंगल आपका होगा, कौन कौन सा, ये आपका डब्ल्यू जेड, डब्ल्यू और एक्स और जेड और वाई का सम जो है वो आपका सप्लीमेंट्री होगा। अगर मैं पूछूं कि क्या डब्ल्यू जेड सप्लीमेंट्री होगा, एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इक्वल टू 180, क्या डब्ल्यू एंगल डब्ल्यू एंड एंगल जेड क्या सप्लीमेंट्री होगा, यस और नो? यस, हाउ? तो एंगल डब्ल्यू एंड एंगल जेड जो है आपका सप्लीमेंट्री कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि पैरेलल लाइंस कौन सा है आपका, ये पैरेलल लाइंस है डब्ल्यू जेड और ये, तो ट्रांसवर्सल लाइन पे जो एंगल बनता है वो ना आपका सप्लीमेंट्री होता है, ना कि ये जो है आपका इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये डब्ल्यू जेड वाला सप्लीमेंट्री नहीं होगा। अगर मैं पूछूं कि एंगल एक्स प्लस एंगल वाई ये सप्लीमेंट्री होगा या नहीं, ये सप्लीमेंट्री नहीं होगा, क्योंकि एक्स वाई जो है आपका ट्रांसवर्सल लाइन नहीं है। अगर एक्स वाई ट्रांसवर्सल लाइन होता तो आपका ये सप्लीमेंट्री होता, ओके? तो ये आपका सप्लीमेंट्री नहीं होगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या सीखा, ट्रेपेजियम में हम लोग क्या सीखा कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल रहे उसमें अगर वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड जो है वो पैरेलल रहे तो हम उसको ट्रेपेजियम कहेंगे। और दूसरा चीज इसमें कि जो आपका एंगल W जो ट्रांसवर्सल लाइन होगा, यानी कि ट्रांसवर्सल लाइन W X एंड Z Y ये दोनों ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये क्या करेंगे, एक सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, ये जो है आपका दोनों सप्लीमेंट्री एंगल होगा। उसके बाद काइट, काइट क्या होता है, सी द फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डायगोनल बी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट्स द डायगोनल ए सी, ठीक है। काइट में आप देख सकते हैं काइट में आपका क्या होगा कि एक बी डी डायगोनल है, ये आपका बी डी एक क्या है डायगोनल है और ए सी डायगोनल है, ये दोनों क्या कर रहा है एक दूसरे को, सॉरी एसी को बीडी जो है बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि एसी दो बराबर भागों में कट हो रहा है। तो इफ वन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल देन क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड काइट, जब आपका एक डायगोनल दूसरे डायगोनल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तब हम लोग उसको कैसा क्वाड्रिलेटरल कहेंगे, काइट वाला, ओके। तो इन द फिगर, इन द एडजेसेंट फिगर ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी वेरीफाई विथ अ डिवाइडर दैट सेगमेंट ए बी कंग्रुएंट टू सेगमेंट सी बी, जब हम लोग इसको क्या करेंगे, जैसे काइट को हम लोग, काइट हमको ड्रॉ करना होगा तो कैसे ड्रॉ करेंगे, चलिए मैं बताता हूँ आपको। काइट को ड्रॉ करने के लिए हम लोग सबसे पहले एक
हमने डिफिनेशन क्या पढ़ा था कि टू परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, सॉरी वन डायगोनल इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द अदर डायगोनल, मतलब कि एक डायगोनल जो है वो दूसरे डायगोनल पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता है। तो ये आपका हम क्या करेंगे, दो डायगोनल बनाएंगे। ओके, और हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, ये दोनों लाइन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर, और एक जो होगा आपका डायगोनल वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, मतलब कि ये और ये लेंथ जो है आपका इक्वल होगा। ओके, और हम लोग क्या करेंगे, ये सब पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे। ओके, तो ये आपका एक काइट तैयार हो गया, काइट के जैसा दिख रहा है ये। ओके, तो ये आपका काइट के जैसा तैयार होगा, तो ये आपका यहाँ पे जो होगा वो एंगल जो होगा सब 90 डिग्री का होगा, और ये आपका इक्वल लेंथ होगा। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक नेमिंग दे रखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका ए ई जो होगा आपका इसी के बराबर होगा, और क्या होगा, ये दोनों जब बराबर है, ये और ये लेंथ बराबर है, और बीच में ये लाइन दोनों में कॉमन है, तो आपका ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होगा, बराबर होगा। ओके, और फिर यहाँ पे भी क्या होगा, आपका ए ई और ई सी जो है बराबर है, और इसमें ई डी जो है लाइन कॉमन है, तो आपका ए डी और सी डी जो है आपका बराबर होगा। ओके, तो आप लोग इसको कैसे चेक करेंगे बराबर होगा, आप डिवाइडर का यूज करेंगे। इस तरीके का एक आपका डिवाइडर होता है ना, आप ज्योमेट्री बॉक्स में देखे होंगे कि एक डिवाइडर आपका यूज होता है, जिसमें दोनों साइड वर्टेक्स जैसा ऐसे होता है, पिन जैसा। ओके, तो उससे आप लोग इसको मेजरमेंट करेंगे, एडी पे रखेंगे, फिर एडी पे मेजरमेंट करके आप उसको सी डी पे रखेंगे, तो देखेंगे कि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। अगर बराबर होगा तो बोलेंगे कि ए डी जो है आपका सी डी के बराबर है, और फिर ए बी जो है आपका ए बी पे फिर रखेंगे, ए बी पे रखने के बाद आप सी डी बी सी को चेक करेंगे, तो ये दोनों जो है आप जब चेक करेंगे तो ए बी बराबर होगा आपके बी सी के। और एंगल का बात करें तो एंगल जैसे ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आपका यहाँ पे परपेंडिकुलर सारा एंगल क्या होगा है? ई पे आपका 90 डिग्री का होगा। तो यहां से टू काइट का टू प्रॉपर्टीज हम लोगों ने प्राप्त किया, क्या क्या, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स आर कंग्रुएंट, मतलब कि इसके जो दो पेयर है साइड्स के, एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कौन कौन सा हुआ आपका, एक ए बी और बी सी, ए बी और बी सी जो है आपका एडजेसेंट साइड हुआ, ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा, और ए डी आपका एक एडजेसेंट साइड हुआ, ए डी किसके एडजेसेंट साइड का है, सी डी का है, तो आपका ए डी जो है आपका वो सी डी के बराबर होगा। ओके, तो अच्छा एक चीज आप लोग बताइए, ए डी और ए बी ये भी दोनों एडजेसेंट साइड है, तो क्या ये इक्वल है, क्या ए बी जो है ए डी के इक्वल होगा, यस और नो, ये भी एडजेसेंट साइड है, और बी सी और सी डी, बी सी और सी डी आपका एडजेसेंट साइड है, तो क्या ये भी इक्वल होगा, नो, तो हम लोगों को कितना पेयर चाहिए, टू पेयर, तो आपका एक ए डी सी डी ये एक पेयर हो गया, एक ए बी और बी सी ये एक पेयर हो गया, यानी कि दो पेयर ऑफ
एडजेसेंट साइड जो है आपका कंग्रुएंट मिल गया। ओके, वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स आर कंग्रुएंट, तो यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक पेयर जो है आपका अपोजिट एंगल जो है वो आपका कंग्रुएंट है। तो देखिए यहाँ पे कैसे इसको देखेंगे, जब आप एंगल चेक करेंगे तो आपका देखिए ये क्या है, ये लाइन जो है दोनों में कॉमन है, ट्रेंगल ए ए बी डी आपका एक ट्रेंगल है और एंगल ट्रेंगल आपका एक ये है बी सी डी। जैसे देखिए एक ये आपका ट्रेंगल है और आपका ये एक ट्रेंगल है। ओके, इन दोनों में आपका बी डी जो लाइन है कॉमन है और ये लेंथ जो है और ये लेंथ इक्वल है और ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल है, तो आपका जो एंगल यहाँ पे बनेगा, जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो इसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। ओके, और यहाँ पे अगर हम बात करें एंगल बी, एंगल बी और एंगल डी बराबर होगा क्या, एंगल बी और एंगल डी इसमें भी क्या है कॉमन है, यहाँ पे भी दो ट्रेंगल बन रहे हैं। इसको मैं उठा देता हूँ, यहाँ पे एक ये आपका ट्रेंगल बन रहा है और ये आपका एक ट्रेंगल बन रहा है। ओके, यहाँ पे एसी जो है दोनों ट्रेंगल में कॉमन है। ओके, तो यहाँ पे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या इक्वल होगा, ये दोनों कॉमन है लेकिन आपका ये लेंथ और ये लेंथ जो है आपका इक्वल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका एंगल बी और एंगल डी जो है आपका इक्वल नहीं होगा। ओके, गुड आंसर। तो वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स जो है आपका एक पेयर ऑफ अपोजिट एंगल जो है वो कंग्रुएंट होगा, यानी कि ये वाला ए एंगल ए एंड एंगल सी। ओके, तो मैं आप लोग ये चीज समझ गए, पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड काइट। यस और नो? किसमें डाउट है? आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए कौन सा आपको नहीं समझ में आया। सब क्लियर है? ओके, तो मैं आगे बढ़ूं। अब आगे आपका एग्जांपल है। हाँ, तो इससे पहले एक चीज मैं और चर्चा करना चाहता था पैरेललोग्राम के बारे में। तो आप लोग बताएंगे कि सारे जैसे हम लोगों ने पढ़ रखा है क्या क्या, पैरेललोग्राम, रम्बस, रेक्टेंगल, ठीक है, और स्क्वायर। आपको ये बताना है कि रेक्टेंगल क्या पैरेललोग्राम हो सकता है? स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है? एक सेकंड वेट, ये आपका रेक्टेंगल हो गया, ये आपका स्क्वायर हो गया और ये आपका आपका पैरेललोग्राम हो गया, या इसको रम्बस आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि इसका साइड सारा इक्वल है।
एक मैं पैरालेलोग्राम बना देता हूँ। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, काइट, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम में टू साइड्स पैरेलल होते थे, और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था काइट। काइट में ये दोनों साइड इक्वल होते थे और ये दोनों साइड इक्वल होते थे, और मैं इसके डायगोनल को एक दूसरे से मिला देता हूं। ओके, मैं क्वेश्चन को रिपीट करूंगा, थोड़ा सा इस पे हम लोग एक देख लेते हैं, क्योंकि आपका ट्रू फॉल्स का जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें आप लोग गलती ना करें, मैं इसीलिए आप लोगों को ये सब ये बता रहा हूँ। ओके, तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप लोग बताइए ये कि जो रम्बस है आपका, सॉरी किलोग्राम जो है आपका, पैरालेलोग्राम आपका ये है, तो क्या पैरालेलोग्राम रेक्टेंगल हो सकता है? सारे पैरालेलोग्राम रेक्टेंगल हो सकते हैं, यस और नो? सिर्फ आप लोग यस और नो जवाब दीजिएगा। नो, क्योंकि पैरेललोग्राम में आपके कुछ एंगल्स होते हैं, एंगल जो है आपके कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन आपके रेक्टेंगल में एंगल जो होगा आपका राइट एंगल होना चाहिए। ओके, इसीलिए आपका यह आंसर होगा। क्या पैरेललोग्राम रम्बस हो सकता है? सारा पैरेललोग्राम जो है आपका रम्बस हो सकता है? नो, क्योंकि इसमें लेंथ जो है आपका डिफरेंस हो सकता है, इसमें जो है सारा अपोजिट लेंथ जो है वो आपका कंग्रुएंट होता है, लेकिन रोम्बस में सारे साइड्स जो है वो इक्वल होते हैं, इसीलिए आपके सारे पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकते। ओके, तो बस इसी तरीके का यही दो तीन क्वेश्चन जो है आपको ट्रू फॉल्स में आपको पूछ सकते हैं। ओके, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चंस डिस्कस कर देता हूँ। जैसे ये आपका एक सॉल्व एग्जांपल है, मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द मेजर्स ऑफ दीज एंगल्स। ओके, तो ये आप लोग ट्राई करिए, कैसे होगा ये? एडजेसेंट एंगल का बात कर रहा है, मेजर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम। हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एडजेसेंट एंगल जो है आपका वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो यानी कि जैसे ये मैं यहाँ पे एक पैरेललोग्राम आपको ड्रॉ करता हूँ, जैसे ये ए बी सी और डी है। ओके, तो यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है, ए बी और डी सी पैरेलल है और ए डी और बी सी पैरेलल है, तो इसके जो एडजेसेंट एंगल है ये और ये, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या मिलेगा, सप्लीमेंट्री मिलेगा, वही चीज आपको यहाँ पे बोल रहा है। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, सम करके 180 के बराबर कर देंगे, और इस इक्वेशन को जो है सॉल्व करेंगे, वहां से एक्स का वैल्यू मिल जाएगा, फिर हम लोग एक्स का वैल्यू जो है इसमें पुट कर देंगे। ओके, तो जब हम पुट करेंगे तो इसका जो आपका एंगल है वो निकल जाएगा। इज इट क्लियर? क्लियर है सबको, यस और नो? ओके, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। पी क्यू आर एस जो है आपका ये पैरेललोग्राम है। टी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इट्स डायगोनल्स। टी जो है आपका, टी जो है इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो फिगर को देखते हुए आपको आंसर देना है, इफ
लेंथ पी एस, ये आपका पी एस लेंथ है, इक्वल टू 5.4 सेंटीमीटर है, ये आपका 5.4 सेंटीमीटर है। लेंथ क्यू आर कुछ आया था, क्या होगा क्यू आर लेंथ, क्यू आर ये है आपका पी एस, सॉरी पी एस ये है ना आपका, पी एस ये वाला लेंथ है आपका, सॉरी ये आपका पी एस लेंथ है और आपसे पूछा गया है क्यू आर, तो क्या होगा क्यू आर बराबर, क्यू आर का लेंथ कितना होगा बताइए, 5.4 सेंटीमीटर। कैसे, क्योंकि हम लोगों को पता है कि अपोजिट साइड्स आर कंग्रुएंट, जो पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं पी एस जो है वो क्यू आर के बराबर होगा। जब पी एस क्यू आर के बराबर होगा तो पी एस का वैल्यू 5.4 है, तो क्यू आर का भी वैल्यू उतना होगा। उसके बाद क्या है? बोल रहा है आपका टी एस, लेंथ टी एस इक्वल टू 3.5, तो टी एस आपका क्या है, टी एस ये, यानी कि ये वाला लेंथ, तो पूछा है क्यू एस क्या होगा, ये यानी कि यहां से यहां तक, तो टी एस आपको पता है। आपको क्या पता है यहाँ पे इसके बारे में, एंगल बाइसेक्टर होता है ना पैरेललोग्राम का, तो एंगल बाइसेक्टर होता है यानी कि ये और ये क्या होगा आपका इक्वल होगा, यानी कि टी एस जो है आपका क्यू टी के बराबर होगा, तो क्यू जितना लेंथ टी एस होगा उतना लेंथ आपका क्यू टी भी होगा, तो टी एस आपका 3.5 है, ये 3.5 है और ये भी क्या है कितना होगा, तब 3.5। अब इन दोनों को सम कर देंगे तो हमारा क्यू एस निकल जाएगा। ओके हाँ सेवन गुड। उसके बाद आपका एंगल क्यू आर एस, एंगल क्यू आर एस आपका कितना है 118, तो मैं इसको इरेज कर देता हूं, क्यू आर एस यानी कि क्यू आर एस यानी कि ये वाला एंगल आर वाला, ये आपका 118 डिग्री है। अब पूछा क्या है क्यू पी एस, यानी कि क्यू पी एस, तो यानी कि आपका ये एंगल आपसे पूछ रहा है। तब क्या पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो कंग्रुएंट होते हैं, इस आधार पे ये आपका 118 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा आपका 118 डिग्री। ओके उसके बाद आपसे पूछ रहा है एंगल एस आर पी 72 डिग्री है और एंगल आर पी क्यू पूछ रहा है, तो एस आर पी आपका क्या है, एस आर पी पी यानी कि ये वाला एंगल, मैं इसको मिटा देता हूं, एस आर पी ये वाला एंगल, और पूछा है आर पी क्यू, आर पी क्यू यानी कि ये वाला एंगल आपसे पूछा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका 72 डिग्री है। आप जानते हैं कि जब भी हम लोग पैरेलल लाइंस दो होते हैं और ये आपका ट्रांसवर्सल होता है, तो ये एंगल और ये एंगल किस रूल से इक्वल होता है, अल्टरनेट एंगल से, ये दोनों जो है अल्टरनेट एंगल के कारण ये दोनों इक्वल्स होता है, तो इसी कारण से हम कह सकते हैं एंगल पी और एंगल आर जो है वो कंग्रुएंट है, तो आपका एस आर पी जो होगा वो आर पी क्यू के बराबर होगा, इसीलिए आपका 72 डिग्री। ओके उसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल सी डब्ल्यू आर पी आर इज 7:9:3:5, देन फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स एंगल एंड राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके तो ये आपसे बोला है कि 7 इज मतलब ये क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, उसमें आपका 7:9 इसका रेशियो दिया हुआ है आपका एंगल्स का। ओके तो आप लोगों को एक चीज यहाँ पे क्या पता है, आप लोग बता सकते हैं क्वाड्रिलेटरल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर एंगल का सम चैट बॉक्स में डालिए।
कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल है, जैसे कि ये आपका एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर मैं इन चारों एंगल का सम करूं, सी डब्ल्यू पी आर, इन चारों का अगर मैं सम करूं तो कितना होगा? थ्री सिक्सटी। ओके, तो जब 360 होगा और हमको रेशियो पता है तो हम लोग क्या करेंगे कि सपोज एंगल सी इज टू डब्ल्यू इज टू पी इज टू आर को, ये आपका रेशियो है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेट द मेजर्स ऑफ एंगल सी, एंगल डब्ल्यू, एंगल पी एंड एंगल आर बी 7x, 9x, 3x एंड 5x रेस्पेक्टिवली। सब में हम लोग x इंक्लूड कर दें। ओके, और हम लोग x इंक्लूड करें 369 कैसे होगा आपका? तो यहाँ पे जो आपका 7x, 9x, 3x और 5x जो है उसको सबको, ये आपका एंगल C है, एंगल W है, एंगल P है, एंगल R है, तो इन चारों को जब हम लोग सम करेंगे तो वो आपका 360 के बराबर होगा। ओके, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका इसको ऐड करेंगे तो 24 होगा। यहाँ से आपका x का जो वैल्यू होगा वो कितना आएगा, 15 आएगा। जब 15 आएगा तो एंगल C हमने क्या एज्यूम किया था, एंगल सी आपका क्या है 7x, तो यहाँ पे 7 लिखेंगे और x का वैल्यू कितना है 15, तो 15 के जगह पे इसको पुट करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 105। एंगल W क्या है आपका, एंगल W तो आपका 9x, तो 9x यानी कि 9 × 15, तो ये आपका कितना हो गया 135। इसी तरीके से एंगल P, एंगल R हम लोग निकाल लेंगे। अब पूछ रहा है क्वेश्चन में राइट द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ओके, तो क्वाड्रिलेटरल का टाइप पता करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके एडजेसेंट साइड को सम करेंगे। जैसे कि सी और आर को सम किया मैंने, सी और आर को सम किया तो दोनों को सम किया तो आपको क्या मिला 180 डिग्री। ओके, और मैंने एंगल सी और एंगल डब्ल्यू को सम किया, यानी कि ये एंगल सी और एंगल डब्ल्यू, ये आपका कितना आया 240 डिग्री। ये जो है ये 180 डिग्री के बराबर नहीं है। ओके, तो क्या होगा, ये सप्लीमेंट्री एंगल नहीं है। फिर आप लोग करेंगे W और P का सम, तो W और P का सम, W कितना है आपका, ये 135 और P 45, इन दोनों का सम करेंगे तो क्या होगा 135 प्लस 45 180 डिग्री, यानी कि ये WP और CR ये सप्लीमेंट्री जो है एंगल बना रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि आपका CW और RP दोनों पैरेलल है, CW और RP साइड जो है वो पैरेलल है, इसीलिए हम लोग इसको ट्रेपीजियम कह सकते हैं। ओके, ये तो ये कौन सा आपका क्वाड्रिलेटरल होगा, जब दो साइड पैरेलल रहे और इसका एंगल जो है वो सप्लीमेंट्री बनाता हो तो हम लोग क्या उसको कहते हैं, कौन सा क्वाड्रिलेटरल कहते हैं उसको? चैट बॉक्स में डालिए आप लोग। Am I audible? मेरी आवाज जा रही है आप लोगों तक? पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड जो है वो आपके इक्वल होते हैं, ठीक है? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड जो है वो इक्वल होते हैं और पैरेलल होते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पे अब क्या है, आपका दोनों इक्वल है क्या, अपोजिट साइड्स इक्वल नहीं ना है, और यहाँ पे सिर्फ आपका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा बना रहा है, एंगल सी और एंगल आर, ये इसको दोनों को सम करने पे आपका 180 डिग्री हो रहा है, और डब्ल्यू को और एंगल पी को सम करने पे आपका 180 डिग्री हो रहा है, ये आपका कौन सा होगा?
ट्रेपीजियम यही ना है आपका, मैंने क्या बताया था कि वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल होना चाहिए। तो कब पैरेलल होगा, पैरेलल कब होगा, जब ये आपका सप्लीमेंट्री होगा एंगल, एंगल सी और एंगल आर जो है 180 डिग्री का होगा, डब्ल्यू और पी जो है 180 डिग्री का होगा। तो ये आपका क्या हुआ, ट्रेपीजियम हुआ। ओके, ये क्लियर है। ओके, ये आपका प्रैक्टिस सेट 8.3 जो है आपका होमवर्क है। तो होमवर्क है तो आप लोग इसको फर्स्ट क्वेश्चन को अभी सॉल्व करके बताइए कि क्या होगा इसका एंगल। आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को अभी करेंगे। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, मेजर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस, फाइंड द मेजर्स ऑफ इट्स ईच एंगल। इसके सारे एंगल को आपको बताना है। ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करिए। ओके, 37, 143, 37, एक्स का कितना वैल्यू आया आपका, एक्स का कितना वैल्यू आया आपका, आपका जो है जब आपने एंगल निकाला होगा तो सबसे पहले आपने एक्स निकाला होगा, एक्स का वैल्यू। तो जब आपने x का वैल्यू निकाला होगा तो x का वैल्यू आप बताइए कितना होगा आपका, x का वैल्यू। अब आवाज आ रही है, इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेजर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर दिस एंड दिस। ठीक है, ये आपका अपोजिट एंगल जो है वो आपका क्या है, उसका मेजरमेंट दिया हुआ है। ठीक है, तो ये आपका ए और सी हो सकते हैं या डी और बी हो सकता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि सारे एंगल का सम जो है वो 360 होता है। ठीक है, सारे एंगल का सम जो है वो 360 डिग्री होगा। ओके, उसके बाद आपका क्या होगा, ये और एक एंगल होगा उसका, उसका जो सम होगा वो आपका,
माय इंटरेस्ट फ्रॉम द व्हाट आप लोग इसको करिएगा होमवर्क में, ठीक है? मैं अगले क्लास में इसको डिस्कस करूंगा। ओके इसमें 6 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन को भी आप लोग करिएगा। ओके बाय। बाय बाय।